नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के शुभ समाचार में। आईटीटी न्यूज में बताएंगे कैसे एक बार फिर से बिहार में बाढ़ के मिले बड़े संकेत, और इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे कि नीतीश कुमार के लंबे वक्त से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई और आज कैबिनेट की बैठक में 18 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। इसके साथ साथ बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट पेश किए जाने के बाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला और साथ ही साथ देश के गरीबों का रखा गया बड़ा ख्याल, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट नहीं है, बंटवारा है। बजट पेश करके योगी सरकार ने समुदाय को बांटने का किया है प्रयास। इसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड 19 के नए वैक्सीनेशन के डोज के साथ साथ वैक्सीन के फैलाव का क्या है बड़ा संकेत, क्या देश में आने वाला है चौथे बड़े लहर। इसके साथ ही बताएंगे लालू प्रसाद यादव को लेकर के आने वाली बड़ी खबर। आज लालू प्रसाद यादव ने राजद की तरफ से राज्यसभा जाने वाले कैंडिडेटों का ऐलान किया और बताया क्या है बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि इस्लामाबाद में जी हां गृह युद्ध जैसे हालात को पैदा कर चुके हैं इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। इसके साथ आज बिहार के आरा कोर्ट में सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और पवन सिंह में तलाक की तस्वीरें सामने आई, फैसले को लेकर के क्या है बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। इसके साथ तेलंगाना पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केसीआर पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि तेलंगाना के तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है यहां की सरकार। इसके साथ जी हां बता दी कि शिवसेना के मंत्री पर आज ईडी का छापा, और ईडी के छापेमारी के बाद में शिवसेना ने कहा कि डराना चाहती है मोदी सरकार। इस तमाम छापेमारी के बाद में बिहार के गया और कई जिलों के अंदर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत। इसके साथ बताएंगे कि 8 साल पूरा किए जाने के बाद में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ा बयान दिया। आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने लिया था जी हाँ प्रधानमंत्री का शपथ। तो सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और आज की महत्वपूर्ण और बड़ी समाचार निकलकर सामने आ रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिहार के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपके गांव में नल जल योजना का हालात कैसा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप भी तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं और सीएम बनना देखना चाहते हैं। तो शुरुआत एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव जो है वो राजनीति को और तेज कर रहे हैं, जिसके साथ ही उनके द्वारा आज बड़े बयान को दिया गया। हालांकि दोस्तों, नीतीश कुमार को एक तरफ लगातार जो है वो दाव खेल रहे हैं नीतीश कुमार, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बढ़ती नजदीकियों पर बिहार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के करीब जाने का मुख्य संकेत इस बात का है कि बिहार में सरकार का परिवर्तन जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन बातों पर आज खत्म हो गए संदेह। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राज्यसभा कपिल सिब्बल को भेजा गया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे एसपी की ओर से, यानी समाजवादी पार्टी की ओर से। इसके साथ साथ आज सस्पेंस को खत्म करते हुए अखिलेश यादव ने कुछ और बड़े बयान दिए हैं, और किनका किनका नाम का घोषणा हुआ है इस बारे में बता देते हैं। आरएलडी कितना अखिलेश यादव के लिए साथी है और आरएलडी से अखिलेश यादव ने कितना अपना गठबंधन मजबूत किया है, इस बात से आज फैसला चलता है, पता चलता है कि आज आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को सदन में भेजने के लिए जी हाँ नेता प्रतिपक्ष जो है वो बड़ा बयान दिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी प्लस आरएलडी का मुख्य सहयोगी दल का साथ मिलने से हम जो है वो राज्यसभा के अंदर फिलहाल आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को भेजना चाहते हैं। इसके साथ साथ बजट के नए पेशी पर भी आज अखिलेश यादव ने बोला, कहा बजट नहीं, ये तो बंटवारा है, जो योगी सरकार ने आज बंटवारा साफ साफ कर दिया है। इस बजट के अंदर बड़े पैमाने पर पैसों की पेशी हुई और इसके साथ साथ बताया गया उत्तर प्रदेश के क्या है नए ड्रीम और प्रोजेक्ट को लेकर। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बताया बड़ा खबर। जब कांग्रेस ने कहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, भुखमरी और समस्याओं से भरी है ये पूरी भारत को, पूरे भारत में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है। मिट्टी के तेल छिड़के जाने का मतलब ये कि ऐसी राजनीतिक जो जातिवाद की ओर संकेत देती है, जो समुदाय को भड़काने के लिए संकेत देती है, ऐसी राजनीति का मतलब क्या है। इन सभी बातों को कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी कई बार साथ
कांग्रेस का छोड़ना शुरू किया है, लेकिन उसके बाद आज उन्होंने बड़ा बयान दिया और इसके बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचलों का तेज होना शुरू हो गया। इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया कांग्रेस का, इन सभी चीज़ों पर कांग्रेस ने लगातार जो है वो अपने बयानबाजियों को तेज किया और 8 साल मोदी सरकार के पूरा होने पर बड़ा और ज़बरदस्त हमला भी उन्होंने बोला है, पूछा है बड़े सवाल, जिस सवाल का जवाब अब कांग्रेस को देना, आपको भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ सकता है। तो बड़ी खबर आई सामने, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना, आपको बता दें कि हैदराबाद पहुंचे जहां उन्होंने केसीआर पर बड़ा हमला बोला। जी हां, आज आपको बता दें कि केसीआर पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना को तुष्टिकरण की राजनीति के लिए लगातार जो है वो केसीआर प्रेरित कर रहे हैं, हैदराबाद समेत इस देश के इस राज्य का विकास जो है वो अच्छा से अच्छा हो सकता है लेकिन केसीआर करना नहीं चाहते। केसीआर पर बड़ा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के विपक्षी दल और केसीआर पर साफ तौर पर इस बात का आरोप लगाया कि हैदराबाद और जी हाँ आपको बता दें कि लगातार जो तेलंगाना को लेकर के किसी भी प्रकार से बदलाव जो है वो नहीं किया जा रहा है और बदलाव की सख्त जरूरत है। तो बदलाव के रास्तों पर तेलंगाना को ले जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े बातों को कहा, बड़े बयानों को दिया और उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति केसीआर कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद में चर्चा गर्म हो गया है, केसीआर ने भी बड़ा अब इस पर बयान देना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक लंबा वक्त, एक लंबा समय और नीतीश कुमार का ये लंबा सरकार, जिसके लंबे लंबे हाथ हैं और लंबे लंबे पांव। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ और पांव उस वक्त फूलने लगे थे जब यहाँ भाजपा के ओर से नेता के तौर पर कई लोगों का नाम का अनाउंसमेंट बिहार की राजधानी पटना के सटे कोयलौर पुल पर नितिन गडकरी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तारकेश्वर प्रसाद बता दिया जाता है, जिसके बाद में उनका हाथ पांव फूलने लगा। लेकिन आज वही नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक कर बड़े फैसले लिए, कैबिनेट फैसले पर आज मुहर लगी 18 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर, लंबे वक्त के बाद में कैबिनेट का फैसला। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल जो है बिहार पहुंच गए हैं और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की भी तस्वीरें सामने आ सकती है क्योंकि 1 जून को जी हाँ फैसला होने वाला है और जातीय जनगणना के मुद्दों पर विपक्षी दलों और तमाम सर्वदलीय बैठक होने वाली है जिसमें जा सकते हैं लालू प्रसाद यादव। बड़ी खबर निकल सामने आ रही है, इस वक्त एक बार फिर से आपको बता दें कि गोरखपुर और तमाम कई जगहों से ट्रेनों के नए परिचालन के लिए सरकार ने तेजियों को और सख्त कर दिया है, लंबे वक्त से बंद पड़े रेलवे ट्रैकों को शुरुआत किया गया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेनों के रद्द किए जाने के बाद में बहुत ज़्यादा यात्रियों को तकलीफें होती है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आज जो है वो गोरखपुर से नई और स्पेशल ट्रेनों का भी शुरुआत किया गया है। तो दोस्तों आप घरों से बाहर निकलने से पहले अपने ट्रेनों के स्टेटस के बारे में जानकारी अवश्य ले लें और इसके साथ ही साथ आप इस बात की भी जानकारी ले लें कि जिस जगह पर आपको जाना है उसके लिए चलने वाली ट्रेनों का परिचालन क्या समय है, टाइमिंग क्या है। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन उस वक्त से शुरू हुए थे जब कोरोना काल आया था, लेकिन आज भी वही स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जिनमें जनरल की बोगियों को गायब ही सरकार ने एक तरीके से कर दिया है। कई ट्रेनों में लगाया गया लेकिन फिलहाल कई ट्रेनों में इसे गायब के तौर पर कर दिया गया है। बड़ी खबर सामने आई, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरा होने, आज का ये समय आपको याद होगा, ये समय जो है वो काफ़ी चर्चों में रहा था 2014 में, 26 मई 2014 का वो समय जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री का शपथ लिया था और वो उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी इन सभी चीज़ों के खिलाफ उन्होंने जाम कर बयान दिया था। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी पेट्रोल और डीजल की महंगाई 110 रुपये प्रति लीटर और इसके साथ साथ एलपीजी सिलेंडर की घरेलू कीमत भी महंगी पड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो बातें कही, जो वादा किया, आज वही वादा उसी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के 8 साल पूरा हो जाने के कार्यकाल के शुभ अवसर पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है और पूरे हिंदुस्तान की जनता एक तरफ पड़ी हुई है क्योंकि महंगाई का मार लगातार पड़ रहा है।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शिवसेना के मंत्री पर आज ईडी का छापा। 8 ठिकानों पर पड़े छापे को लेकर के शिवसेना ने भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एमपी के मंत्री, आपको बता दें कि अनिल अवर के घर पर जिस तरीके से छापा पड़ा ईडी का, इन सभी मामलों में लगातार सुर्खियां बनी। ऐसा ये पहली बार नहीं है जब केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों को डराने के प्रयास करती हो। कुछ ही दिन पहले, महज आज से 5 दिन पहले, लालू प्रसाद यादव के 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव की तमाम बेटियों का घर का नाम सामने था, उनके ससुराल का घर का नाम सामने था, और इसके साथ साथ राबड़ी देवी का आवास जो गोपालगंज में है, यहां पर भी छापेमारी की गई थी। और आरोप था कि जब लालू प्रसाद यादव 2004 में रेल मंत्री थे, उस वक्त जमीन हड़प कर लोगों को नौकरियां दिया था उन्होंने, लेकिन आखिरकार केंद्रीय एजेंसी को कुछ मिला नहीं। आज शिवसेना ने भी बड़ा बयान दिया। जी हाँ, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे माहौल छिड़ गए हैं। विश्वास अविश्वास प्रस्ताव के बाद में इमरान खान का सत्ता का कुर्सी चला गया है, जिसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान को जाना जाता है। आज वही इमरान खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि हैदराबाद के जिस तरीके से बता दें कि इस्लामाबाद के अंदर जो इमरान खान जो है वो आज आज़ादी मार्च निकाले, इस आज़ादी मार्च में भारी सेना बलों की तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा भड़कने की तस्वीर सामने आई। पाकिस्तान में लगातार गृह युद्ध जैसे माहौल हो गए हैं, जहां इमरान खान यह बात मानने को तैयार नहीं कि उनकी सत्ता की कुर्सी कैसे चली गई, तो अब प्रधानमंत्री कोई दूसरा हो गया है और पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान को जाना जाता है। आज वही इमरान खान ने भारत में फैल रहे आतंकी संगठनों को लेकर के बयान दिया था और बताया था कि किस तरीके से यहां पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है, जिस पर आज उन्होंने ट्वीट भी किया था। बेहद बड़ी सामने आई, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। आपको बता दें लगातार जो है वो मौसम के बदलते तेवर को देखते हुए कई जगहों पर जबरदस्त जो है वो बारिश पड़ने की उम्मीद जारी की गई है। मौसम विभाग ने लगातार अपडेट के अनुसार कई जिलों के अंदर बारिश होने की उम्मीदें जारी की है, तो दिल्ली समेत कई ऐसे महानगरों में बारिश ना होने और गर्मी बढ़ने जैसे भी बातें कही गई है। आपको बता दें कि दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो इस चीज़ की संकेत है कि एक तरीके से पूरा ब्रह्मांड जो है कहीं ना कहीं एक सिलेंडर का गोला की तरफ बन गया था, जहां प्रदूषण का एक ऐसा हब और स्टेशन बन गया है, जिसे दूर कर पाना सरकार के लिए भी एक बड़ी मुसीबत का कारण बन बैठा है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे के पीछे बैठना उचित नहीं समझा, कुर्सी बदलने की सदन में ही बात कर दी। सदन के स्पीकर से उन्होंने बयान दिया और बात कहा कि ये शोभा नहीं देता कि वो पीछे बैठे। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव फिलहाल उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन इसके साथ साथ जी हाँ आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने नए समीकरण साधने और साथ ही साथ वो आजम खां के काफ़ी करीब जाने की बात करते हुए साफ तौर पर इस बात का संकेत दे चुके हैं कि किसी भी हालत के अंदर शिवपाल सिंह यादव अब अखिलेश यादव के पीछे बैठना उचित नहीं समझते हैं, भतीजे के आगे बैठना देखना चाहते भी नहीं है। इसके बाद ही तो तुरंत, क्योंकि चुनाव बीतने के तुरंत बाद बगावती तेवर ने आपको बता दें कि प्रगतिशील पार्टी के नेता लगातार जो है वो इस बात के बयान देते हुए नजर आए। ITT न्यूज के लिए दीपक कुमार सिंह की डेस्क रिपोर्ट। बने रहे आप हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम भारत।